तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ये जो वीडियो है टाटा का जो है एक क्वालिटी जो इशू, इससे पहले भी मुझको कुछ चीज़ का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी भी एक चीज़ मैं कुछ दिन पहले मतलब नोटिस किया जे है, सो उसके ऊपर ही वीडियो है। बट इससे पहले जो वीडियो है सर्विस वाला, उसमें भी मैंने बोला, लेकिन ये मैंने एक डिफरेंट इसके लिए रख रहा हूँ, जो क्योंकि वीडियो का लेंथ भी कम रहेगा और एकदम डायरेक्ट उस पर जो है फोकस रहेगा। सो दिस इज़ द थिंग। मेरा गाड़ी अभी तक चल चुकी है 7300 के आसपास, 7300 भी नहीं हुआ, और गाड़ी का एज है लगभग 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल से ज़्यादा है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड गाड़ी जो है एकदम ठीक ठाक जगह मतलब रहता है, ये नहीं कि एकदम बाहर में। सो जो चीज़ का मुझको सामना करना पड़ा वो चीज़ है, एक मिनट, कुछ दिन पहले मैंने जब इधर का जो है स्टेपनी नीचे में रहता है वो खुला, तो इधर देखो गैपिंग है, एक मिनट, ये देखो फिटिंग का इशू जो है, मैंने उस टाइम पे कपड़ा देखे रखा था, ये देखो फांक दिखाई दे रहा है, दिस इज द थिंग, दिस इज द इशू फिटिंग का जो है इस साइड पे भी, ये देखो इधर भी देखो। हालांकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब मैं नया गाड़ी ले रहा हूँ तो इसमें ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। सो क्या करे, इंडिया में तो मान मुझको बोलना पड़ रहा है कि इंडियन कंपनी में ऐसा होता है, क्योंकि मुझको सुनने में आया है महिंद्रा पे भी ऐसा होता है, लेकिन अगर आप यू कैन सी कि जर्मन या जापानीज कोई भी कंपनी का गाड़ी लोगे तो आई थिंक इतना सारा जो है क्वालिटी का इशू नहीं आएगा उसमें। सो इधर का भी जो है देखो, आप पैनल गैप देखो मेरा गाड़ी का, इस साइड देखो कितना ज़्यादा है, इस साइड का देखो आप एकदम एग्जैक्ट है। तो दिस इज़ द थिंग। इधर का भी थोड़ा सा पेंट में इशू है गाड़ी में, और इस साइड का भी आप गैप देखो, इस साइड का आप गैप देख लो बोनेट का, और इस साइड का आप गैप देखो। तो ये सब जो चीज़ है, एक मिनट, मैं रास्ते पे हूँ, लेकिन जो है ये सर्विस लेना है, मतलब ये मत समझ लेना कि मैं डायरेक्ट रास्ते पे आके वीडियो कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द थिंग। एंड मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, मतलब जो इंडियन कंपनी टाटा या महिंद्रा आई गेस, वहाँ पर इतना सा क्वालिटी का इशू आएगा, अगर टाटा से कोई देख रहा है तो ये सब चीज़ प्लीज़ सुधारो। और अभी तो मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, तो इस चीज़ का मैं दिखाऊंगा उधर, आई थिंक आई गेस उधर वो लोग थोड़ा सा इधर पुट्टी डाल देगा तो हो जाएगा काम, उतना कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले भी मेरा एक पेंट उखड़ने का इशू था, सो दिस इज़ द थिंग। सो गाइज, मैं सर्विस करा के गाड़ी को लेके बाहर आया, और जो चीज़ है एक्चुअली जो क्वालिटी का इशू बोला था मैंने, सर्विस एडवाइज़र जो है वो बोला ये क्वालिटी का इशू नहीं है, एक्चुअली द थिंग इज़ कि मेरा जो है पहले एक बार गाड़ी एक ट्रक पीछे से आके हिट किया था, उसका भी वीडियो है, जो एक्सीडेंट मैंने फेस किया था। सो उसके लिए पीछे से जब ट्रक आके हिट किया था तो उसके लिए वो नीचे से जो है चीज़ पुटिंग देके रखता है, सो वो चीज़ खुल गया था। सो वो उन लोगों ने वो चीज़ फिक्स कर दिया, मैं एक बार दिखा देता हूँ, चलो मैं अभी मतलब सर्विस सेंटर से बाहर सिर्फ निकला हूँ, ये देखो वाइट सा, इधर एक था और इधर एक था, दोनों से, क्योंकि ट्रक पीछे से आके हिट किया था तो उन लोगों ने बोला जो ये पुट्टी है पुट्टी बाहर निकल के आया था, तो और कोई बात नहीं है, बोला ये क्वालिटी का मतलब इशू नहीं है, ये अगर मतलब उस टाइम पे उन लोगों को ही मतलब उन लोगों का ही गलती है, उन लोगों को ये चीज़ का ध्यान देना था, लेकिन चलो ठीक है, मैंने बोला तो उन्होंने कर दिया।
ज़्यादा उतना टाइम भी नहीं है, लेकिन वाइट सा है। उन लोगों ने बोला अगर आप गाड़ी रखोगे तो वहाँ पर जो ऑरेंज का पेंट है पेंट कर देंगे, लेकिन गाड़ी रखने के बाद फिर से मुझको जाना पड़ेगा बस लेके घर, फिर से बस लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बोला छोड़ दीजिए, और अगर सूख जाएगा तो जैसे नॉर्मल सा हो जाएगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा वाइट दिखेगा, यही चीज़ है। दिस इज़ द थिंग, ठीक ठाक है ये क्वालिटी। मैंने सोचा था पहले ये क्वालिटी इशू है, तो उन लोगों ने बोला ये पहले नहीं था, मतलब जब गाड़ी आप डिलीवरी लिए थे। हाँ एक चीज़ मुझको भी याद आए, तो उस टाइम पे भी PDI के टाइम पे भी मैंने दिखा था, तो ये चीज़ मुझको नोटिस नहीं हुआ था उस टाइम पे, बट अभी नोटिस हुआ। तो मुझको यही लगता है मे बी वो लोग सही है, मैं गलत हूँ। तो दिस इज़ द थिंग। चलो एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।